क्लच दबाया है ना, हमेशा ऐसे बाइक बंद होती ही होती है हमसे, ठीक है। ओ देखो कितनी जल्दी छोड़ा मैंने, तीसरे गियर में आपको जरूरत नहीं छोड़ेंगे। देखो रेस को कुछ नहीं कर रहा मैं, देखो रेस को कुछ नहीं कर रहा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ, देखो आपके सामने है, बाइक बंद नहीं हुई, ठीक है। क्लच को रेस को दिया, देखो क्लच मैंने धीरे धीरे ही छोड़ा है, एक बार आपको देखो रेस ज़्यादा है, देखो क्लच मैंने हल्का छोड़ा तो हल्के हल्के करके ही आगे को जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं आता है, बट आपको ओवर रेस। हेलो भाई, मैं हूँ अजय, और भाई जब कभी हम अपनी बाइक को सीखने जाते हैं ना, तो हमेशा हमें एक चीज़ बोली जाती है कि आप अपने क्लच और रेस के ऊपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठा लो। तो भाई ये क्लच और रेस के ऊपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, आज हम इस चीज़ के ऊपर जानेंगे, ठीक है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है भाई कि जब कभी हम क्लच को छोड़ते हैं या फिर रिलीज करते हैं, तो अपनी रेस को भी उसके साथ साथ में बराबर से देनी है। अब ये कैसे बिठाना है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी बाइक को कैसे आसानी से रवाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है या फिर नहीं। तो भाई इससे पहले मैं आपको एक बार थ्योरी में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, जिसके बाद मैं प्रैक्टिकल वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा। जब कभी हमको अपनी बाइक को रवाना करना होता है, आपने देखा होगा भाई बहुत बार ना आपसे बाइक इमिडिएटली बंद हो जाती है, ठीक है। उसका कारण बताऊँ क्या होता है, दो चीज़ मेन कारण आते हैं, या तो आप क्लच को एकदम से रिलीज करते हो, ठीक है, या तो फिर आप क्लच के हिसाब से रेस को प्रॉपर नहीं देते हो। इन दोनों चीज़ों में भाई मोस्टली गलती होती ही होती है, तो मैं आज आपको दोनों के परफेक्ट तरीके बता दूंगा कि भाई जिससे आपकी बाइक एक बार भी आपसे बंद नहीं होगी, और जब कभी आप अपनी बाइक को रवाना करोगे या फिर लॉन्च करोगे ना, तो आपकी बाइक आपसे बंद भी नहीं होगी। तो भाई मेथड क्या है, मैं आपको इजीली सिंपल आसान भाषा में समझा देता हूँ। भाई आपने बहुत बार बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि जब कभी हम अपनी बाइक को चलाएं तो हम अपने क्लच को धीरे 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 करके छोड़ें, है ना, ये आपने सुना ही होगा। और बहुत से लोगों के माइंड में रहता है कि भाई अगर हमने पहले गियर में धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, तो क्या दूसरे तीसरे चौथे गियर में भी क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है? नहीं भाई, अगर आपने पहले गियर में क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ा है ना, तो उसके बाद आपको दूसरे तीसरे चौथे गियर में उसी स्पीड से क्लच छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे तीसरे चौथे गियर में आप अपने क्लच को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब थोड़ा स्पीड से छोड़ सकते हो, उसमें भाई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। बट बात आती है पहले गियर की, जब हम अपने बाइक को रवाना करना चाहते हैं तब हमसे मोस्टली बाइक बंद होती है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए भाई? उस टाइम पे भाई सबसे सिंपल मैथ है, अगर क्लच को लेके बोलो तो आप अपने क्लच को दबाओ, उसका धीरे 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 करके क्लच को छोड़ो। आप हमेशा ये नोटिस करोगे कि जितनी बार भी आप अपने क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ोगे ना भाई, आपकी बाइक कभी बंद नहीं होगी, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। क्लच को तो आपने कर दिया कि क्लच आप धीरे 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 करके छोड़ रहे हो, बट भाई अगर आपने इसको धीरे भी छोड़ा और रेस को परफेक्ट नहीं दिया ना, फिर भी आपकी बाइक बंद हो जाएगी। तो रेस का भी मैं तरीका बता देता हूँ। देखो भाई, हम नॉर्मल रेस हमारी जीरो पे इतनी है, उसके बाद अगर हम बाइक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम या तो रेस को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, और आपको अभी आइडिया नहीं है कि आपको कितनी रेस देनी है, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है कि रेस को एक टाइम पे लॉक कर देना है, ठीक है। इतना मतलब जितनी हमने हमारी जीरो इतनी रेस है ना, तो आपको इतना लॉक कर देना जिससे ना बाइक में पुश लगे, बाइक ना हल्की हल्की वाइब्रेट करने लग जाती है, जिसका पता लग जाता है कि अब बाइक बंद नहीं होगी। यहाँ पे आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है भाई कि आपको रेस हल्की सी दे देनी है जिसमें आपको लगे आपकी बाइक वाइब्रेट हो रही है, उसके बाद आप धीरे 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 क्लच को छोड़ोगे तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी। और सेम चीज़ भाई अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाता हूँ कि मेरे से बाइक बंद होती है नहीं, जो मेथड मैंने आपको बताया है। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाइक को रवाना करने का बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप इसको अगर फॉलो करोगे ना, तो आपसे 110% आपकी बाइक बंद नहीं होने वाली, ठीक है। मैंने भाई जैसे आपको अभी थ्योरी वाले पार्ट में बताया कि आपको अपने क्लच को धीरे 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 करके रिलीज़ करना है, ठीक है, इतना तो आप जान गए। फिर रेस को भी एक परफेक्ट लाइन पे ला के सेट कर देना है। अब वो कैसे करना है ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो मैं एज अ बिगिनर आपकी तरह बाइक चलाऊँ, तो हम क्या गलती करते हैं बताऊँ, क्लच दबाया है ना, हमेशा ऐसे बाइक बंद होती ही होती है हमसे, ठीक है। आपने देखा बाइक एकदम से ना बंद हो जाती है, हमको ये गलती नहीं करनी है, हमको क्लच धीरे धीरे करके ही छोड़ना है।
अब क्लच अगर हम धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू भी कर देंगे और रेस को प्रॉपर नहीं देंगे तब भी बाइक बंद हो जाती है भाई। दिखाऊं? देखो ठीक है, क्लच को रेस को दिया, देखो क्लच मैंने धीरे धीरे ही छोड़ा है। एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो भाई न्यूट्रल है भाई, ठीक है स्टार्ट हुई, देखो पहला गियर डाला, ठीक है देखो रेस को मैं कम ज़्यादा कर दूँ जैसे, मतलब हमको आइडिया नहीं अभी हमको रेस कितनी देनी है, ठीक है क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, देखो चली 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 और यहाँ पे एक टाइम के आने के बाद बंद हो ही जाती है वो, ठीक है। बट वहीं पे अगर हमने जैसे मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ा था ना, अगर मैं थोड़ी सी रेस और दे देता ना, बाइक ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे बाइक ना एकदम से आगे को जाती है। तो अब हमको करना क्या है, अगर हम क्लच को ऐसे एकदम से छोड़ रहे हैं, पहला गियर है देखो भाई, ऐसे में बाइक बंद होती है हमारी, ठीक है। और अगर हम अपनी बाइक को धीरे धीरे क्लच के साथ छोड़ रहे हैं तभी भी हमारी बाइक बंद हो रही है। दोनों के पीछे का जो रीज़न है ना भाई, वो हमारी रेस है, ठीक है। आपको रेस को एक परफेक्ट तरीके से देना ही देना पड़ेगा। अब वो परफेक्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है भाई, स्टार्ट किया हमने भाई, क्लच दबाया, पहला गियर डाला, ठीक है। अब एकदम से क्लच को नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्लच को अगर एकदम से छोड़ेंगे फिर से बाइक बंद होने के चांस पूरे पूरे हैं। तो इस टाइम पे इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, अपने रेस के ऊपर फोकस रखना है। अब रेस कितनी देनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इतना हमारी जीरो रेस है, अब हमको ऐसी रेस देनी है जिससे हमारी बाइक बंद भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस रेस को हल्का सा दे देंगे, देखो हल्का सा घुमाएंगे बिल्कुल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हल्का घुमाना, ज़्यादा मत घुमाना वरना बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगी आपकी, ठीक है। आपको हल्का सा घुमाना, देखो इतनी जीरो पे है, इतनी जीरो है, हल्का सा घुमा दिया, ठीक है। बाइक वाइब्रेट कर रही है, देखो आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा पर मेरे को फील हो रहा है बाइक मेरी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। देखो रेस उतनी ही रहेगी, रेस को चेंज नहीं करना, मतलब ज़्यादा या कम नहीं करना, एक लेवल पे सेट कर दी हमने। अब हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, देखो रेस को कुछ नहीं कर रहा मैं, देखो रेस को कुछ नहीं कर रहा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ, देखो आपके सामने है बाइक बंद नहीं हुई। और अगर इस केस में आपको लगता है कि आपने रेस थोड़ी सी कम दे रखी, या फिर आपको लगे कि आपने रेस को एक लेवल पे ला के सेट तो कर दिया, उसके बावजूद भी बाइक बंद हो रही है, तो आपको क्या करना है, उस रेस को हल्का सा बढ़ा दो भाई, जितना आपने इतनी सेट कर रखी थी ना इससे हल्का सा बढ़ा दो। पर देखो बाइक आवाज़ करने लग जाती है, तो ज़्यादा आवाज़ करेगी तो मतलब समझ जाओ कि बाइक में ओवर रेस है, ठीक है। फिर से दोबारा क्लच दबाया, गियर डाला, पहला हल्की सी रेस दी, देखो इतना बंद है, इतनी सी रेस दे दी हमने। अब इसके बाद हमको आगे को बाइक को लेके जाना है, ठीक है। इतनी रेस दी, देखो बाइक वाइब्रेट कर रही है मेरी भाई, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा बट मुझे फील हो रहा है। इतनी रेस के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, देखो बाइक आगे को धक्का मारने लगी, देखो अब जैसे जैसे क्लच छोड़ता जाएगा बाइक आगे को खुद ब खुद जाती ही रहेगी। अब सेकेंड गियर में मैंने आपको बोला कि आपको एकदम से छोड़ने की नीड नहीं है, देखो ठीक है बाइक बंद नहीं होती सेकंड गियर में, बट ये मेन है, अगर आपने रेस बिल्कुल कम कर रखी है सेकंड गियर में तो फिर बाइक भाई उसमें बंद होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ये समझ गया। अब अभी आप सेकंड गियर तक मत पहुंचो भाई, आप अभी फर्स्ट गियर पे रवाना करना सीखो, ठीक है। सेकंड गियर आप मेरे को पता है मैनेज करके डाल ही दोगे, हर कोई डाल देता है, ठीक है। फर्स्ट गियर में हमेशा हमको दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, क्लच दबाया, गियर डाला, रेस को एक लेवल पे ला के सेट करना। अगर बाय चांस आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने रेस को इतना लेवल पे ला के सेट कर दिया जैसे मैंने कर दिया भाई, इतना जीरो है, इतना एक लेवल पे ला के सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्लच को छोड़ू धीरे धीरे, ऐसे में मेरी बाइक बंद होगी, तो आपने निराश नहीं होना है कि आपने रेस को एक लेवल पे ला के सेट किया उसके बावजूद आपकी बाइक बंद हुई। ये बताऊँ क्यों हुआ, क्योंकि हमने रेस को कम दे रखा था, हमारी बाइक को पावर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, हम रेस को पहले क्लच दबा के गियर डालेंगे, ठीक है। रेस हमने पहले इतनी दी थी, अब हम थोड़ा सा हल्का घुमा देंगे, देखो पहले जीरो है, पहले हमने इतनी दी थी, अब इतना कर देंगे, ठीक है। देखो मेरे को फील होने लग गया मेरी बाइक ना वाइब्रेट हो रही है, आपको कैमरे में नहीं विजिबल हो रहा, ठीक है। अगर नज़दीक से दिखाऊं तो हल्का हल्का दिख रहा होगा भाई आपको अब, है ना। तो अब क्या करना है, अब मैंने इसको एक लेवल पे ला के सेट कर दिया, रेस का काम ख़त्म भाई। अब रेस वाले हाथ को ना कम करना है ना ज़्यादा करना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमारी बाइक आराम से आगे को चली जाएगी। अब सारा काम है क्लच वाले का, क्लच को हमने धीरे धीरे छोड़ना है, देखो ठीक है। रेस वाला उतना ही है, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है क्योंकि रेस है तो बाइक बंद नहीं होगी, कुछ भी कर लो। देखो आराम से सेकंड गियर, इसको जीरो किया क्लच दबा के, देखो सेकंड गियर। मुझे पता है भाई आप लोग खुद ब खुद संभाल ही लोगे, बट दिक्कत आती है फर्स्ट गियर में।
तो फर्स्ट गियर का मैथ मैंने आपको समझा दिया आपको किस हिसाब से करना है। सिंपल तरीका भाई, आपको क्लच दबाना है, गियर पुट करना है, रेस को एक लेवल पे ला के सेट करना है, ठीक है। हल्का सा लेवल पे ला के सेट कर दिया, देखो अब मेरी बाइक वाइब्रेट कर रही है, मतलब मुझे पता है मेरी बाइक अब बंद नहीं होगी। अगर ज़्यादा रेस दूंगा, देखो अगर आपके मन में डाउट है ज़्यादा रेस देने से बाइक बंद होगी, देखो नहीं होगी भाई, ज़्यादा रेस देने से बस ना बाइक आवाज़ ज़्यादा करेगी, ठीक है। बट जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे ना, बाइक उसी स्पीड से आगे को बढ़ेगी, क्योंकि भाई हमारे क्लच पे हमारी स्पीड डिपेंड होती है, ठीक है। जिस स्पीड से आप क्लच को छोड़ोगे बाइक उसी स्पीड से आगे को जाएगी। एक बार दिखाऊं, देखो आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। अब इतने में मैं क्लच दबा के देखो रेस, देखो देखो रेस ज़्यादा है, देखो क्लच मैंने हल्का छोड़ा तो हल्के हल्के करके ही आगे को जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। बट आपको ओवर रेस नहीं देनी है भाई, ये बाइक को डैमेज कर सकता है, ठीक है। समझ गया आपको क्या करना है, आपने रेस को एक लेवल पे लाके सेट कर देना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने क्लच को छोड़ना है। ऐसे देखो भाई, क्लच दबाया, गियर डाला पहला, इसको एक लेवल पे लाके सेट किया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, देखो रेस अभी उतनी ही है, ठीक है। सेकंड गियर में आपको क्या करना है, इसको छोड़ दो पहले जीरो, क्लच दबा के दूसरा गियर, अब इसको ना हल्का हल्का दे दो, देखो रेस दे दो पहले, और ये निकल के आगे को चला गया। बस इतना सा काम करना है भाई आपको। तीसरे गियर में देखो मैं बोलूँगा ना आपको, आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे गियर में बाइक ऑटोमेटिक ही चली जाती है। देखो देखो कितनी जल्दी छोड़ा मैंने, तीसरे गियर में आपको ज़रूरत नहीं है, तीसरे चौथे गियर में आपकी बाइक बहुत आसान तरीके से आगे को निकल जाएगी। देखो चौथा गियर, ये देखो कितनी जल्दी छोड़ा मैंने भाई क्लच को। तो तीसरे और चौथे गियर में आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे छोड़ना है, तीसरे और चौथे गियर में बाइक खुद को मैनेज कर लेगी। बट आपको ध्यान देना है पहले और दूसरे गियर में, ठीक है। तो भाई आई होप आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया कि आपको अपनी बाइक को कैसे रवाना करना है, इसको एक लेवल पे लाके सेट कर देना है बस, ठीक है। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड भाई, प्लीज़।